गृह मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से जयपुर में 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों से आए 220 आदिवासी युवाओं को आज राजभवन का दौरा करवाया गया। इस दौरान आदिवासी युवाओं ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें संबोधित भी किया। ये गृह मंत्रालय और युवा कार्यक्रम विभाग के द्वारा 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जयपुर में आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के 6 राज्यों के 9 जिले जो नक्सली अफेक्टेड जिले हैं वहां से 220 आदिवासी युवा 25 तारीख को जयपुर आए थे और 7 दिन का ये कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग आयोजित करवा रहे हैं। इनको फील्ड विजिट के लिए अलग अलग गांव में लेके जा रहे हैं और ये यहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेज यहाँ पे क्या हो रही हैं, सरकार के द्वारा क्या विकास के कार्य किए जा रहे हैं और ये जाके वहाँ पे अपने परिवार में और समुदाय में इस विकास यात्रा के बारे में बताएंगे ताकि दूसरे लोग जो नक्सली बनने का रास्ता चुनते हैं उसमें कमी आए और उनके एक विचार भारत की जो विकास यात्रा है उसे जुड़ने को प्रेरित हो। ये ट्राइबल एक्सचेंज प्रोग्राम से ये सबको अच्छा मौका मिला जो वो अगेन वो नेक्स्ट टाइम वो जब भी इनके ट्राइबल प्लेस में जाने के बाद ये एक एक लड़की और लड़का जाके दो जो बचाए इन सबको सीख सकते। हम पहली बार ये कार्यक्रम सुना है और पहले से ही चलता था लेकिन हम कभी देख ही नहीं थे। सब कुछ जान लिए हैं कि उनके गाँव में क्या होता है और हमारे यहाँ क्या होता है और यहाँ कार्यक्रम इतने अच्छे से हो रहा है कि हम कभी भूल भी नहीं सकते ऐसे कार्यक्रम को। और हमारे बच्चे और आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और शहर पे उसको ये होना चाहिए कि सब उनको नॉलेज देना चाहिए भारत सरकार की और योजना के उनके लाभ देना चाहिए। महाराष्ट्र पे मैं जाके और मेरा ग्रामीण क्षेत्र से और आदिम समुदाय क्षेत्र से मैं जाके उनको मैं कह सका हूँ कि उसको परिवर्तन मैं कर सका हूँ।